हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मेरे एक्चुअली फ्रेंड का जो है ना एक्सीडेंट हो चुका है। KTM RC 390 है उसका, BS4 मॉडल। उसमें कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। ऐसा कुछ ज्यादा कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी का जो आगे का जो स्ट्रक्चर है, फिर फेयरिंग है, फिर साइड का जो कवर है इंजन का, वो सारा जो है टूट चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही मेरी फ्रेंड की गाड़ी जो कंप्लीट रिपेयर करने वाले, कैसे हम लोग सारे पार्ट्स जो है अरेंज करते हैं, सारे पार्ट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और सारा चीज आपको ये वीडियो में जो है देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मेरी फ्रेंड की गाड़ी दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या पार्ट्स हम लोग ने बाई किए वो बताता हूँ, फिर आगे का आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मोटरसाइकिल है और यहाँ पे इसका फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो ये टूट चुका है। मीटर का होल्डर है वो भी टूट चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिल रहा है। ब्रेक लीवर भी आप देख सकते हो बेंड हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैग्नेट का कवर जो है ये साइड का, ये भी पूरा घस घस के इसमें होल हो चुका है। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो गियर लीवर जो है बेंड हो गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो KTM के पार्ट्स अराइव हो चुके हैं, और ये कम्प्लीटली जेन्युइन पार्ट्स से मैं बाय कर रहा हूँ। जो अभी मैं वीडियो में डाल रहा हूँ सारे जेन्युइन पार्ट्स से आपको देखने मिलेंगे। और एक बात गाइस, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट्स चाहिए रहेगा रिगार्डिंग KTM के पार्ट्स, या फिर बजाज के पार्ट्स, या फिर हीरो के पार्ट्स, अगर आपको आपके स्टेट में नहीं मिलता रहेगा, तो आप जो है J66 मोटर स्पोर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। J66 मोटर स्पोर्ट्स जो है मेरा ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पे हम लोग जो है ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स भी सेल करते हैं। अगर आपको सोर्स नहीं हो रहे, सोर्स करके भी आपको आपके घर तक पहुँचा देते। तो गाइज अगर आपको बाय करना रहेगा तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आया हुआ है इसका। ये इसका स्ट्रक्चर है KTM का, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, उसमें राइट वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो है राइट वाला स्ट्रक्चर है। कंप्लीट KTM के पैकिंग में और ओरिजिनल पार्ट्स ही हम लोग ये गाड़ी में डालने वाले, कोई डुप्लीकेट पार्ट्स नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो KTM का ओरिजिनल वाइजर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर एकदम ओरिजिनल KTM का वाइजर है। ये भी जो है एक्चुअली टूट गया था एक्सीडेंट में, तो ये भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। इतने पार्ट्स तो लिए ही हम लोग ने, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और पार्ट्स हम लोग ने लिए। एक ऑयल फिल्टर हम लोग ने लिया है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गियर लीवर है, ये ब्रेक का पेडल है, मतलब जो नीचे का पेडल होता है वो भी बेंड हो गया। ये ब्रेक पेडल है, और जो गियर हम लोग डालते हैं वो पेडल है ये। तो यहाँ पे हम लोग ने मैग्नेट कवर भी लिया है, क्योंकि इसके मैग्नेट कवर पे यहाँ पे जो है ना होल हो गया। अभी सारा सामान हम लोग ने इकट्ठा कर लिया, पहले नीचे जाते हैं और काम जो है स्टार्ट कर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आगे का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ने अच्छी तरीके से निकाल दिया, और गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा नया स्ट्रक्चर हम लोग ने तैयार कर दिया। यहाँ पे सिर्फ 6 बोल्ट्स लगाने और स्ट्रक्चर हमारा लग जाएगा। तो जैसे हम लोग ने निकाला था सेम वैसे ही दोनों स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल कर दिए। सिर्फ 3-4 बोल्ट्स है जिसके मदद से स्ट्रक्चर जो फिट हो जाते। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे 3 बोल्ट्स है और यहाँ पे 3 बोल्ट्स है। तो ये स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली इसमें फिट हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे का पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से फिट कर दिया है, और स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, एकदम प्रॉपर स्टडी हो चुका है। अभी इसका जो वाइजर है वो अभी हम लोग इंस्टॉल कर देते, वाइजर लगा देंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा और देखने में भी काफी अच्छा लगा। तो आगे से हमारा जो गाड़ी है वो कम्प्लीट हो जाए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने बेली निकाल दिया, और ये पार्ट को हम लोग अभी रिप्लेस करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली जो है यहाँ से टूट चुका है, तो ज्यादा डैमेज है, वरना थोड़ा डैमेज रहता तो शायद हम लोग वेल्डिंग करके ठीक कर लेते। तो अभी आप देख सकते हो गाइज हम लोग ने बेली जो है नीचे का निकाल दिया, और ये जो है साइड में जो है 8 नंबर के बोल्ट्स है, ये सारे निकालोगे तब भी जाके, तो ये जो मैग्नेट कवर है तब भी जाके निकलेगा। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग ने मैग्नेट कवर खोल दिया है, ये इसका कॉइल है यहाँ पे, तो ये सारी चीज रिमूव करेंगे हम लोग, और नए वाले जो कवर है मैग्नेट का कवर उसमें लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर का पार्ट है पूरा, नया वाला जो मैग्नेट कवर है हम लोग ने प्रॉपरली फिट कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे बोल्ट्स प्रॉपरली लगा देंगे, कवर लगा देंगे, फिर एक बार चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नया जो हम लोग ने मैग्नेट कवर है वो इस तरीके से फिट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, फिर ऑयल भरेंगे, फिर ये इंजन को जो है पहले स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पुराना ऑयल फिल्टर हम लोग ने निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया, और ये हमारा नया ऑयल फिल्टर है, इसको हम लोग प्राइम करेंगे और डालेंगे। तो फिल्टर को हम लोग ने अच्छी तरीके से प्राइम कर दिया, अभी इसको अंदर फिट कर देते हैं, और इसका कैप लगा के अभी ऑयल फिल कर देते हैं गाड़ी में। तो गाइज अभी हम लोग इसमें ऑयल फिल करने वाले हैं, और ऑयल आप देख सकते हो ये मोटोरेक्स का यूज करेंगे हम लोग, 10W50, जो कि फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। तो सबसे पहला लीटर इसके अंदर जाता हुआ। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो हम लोग ने जो गाड़ी है वो रेडी कर दी है। अभी जो है वॉश नहीं करा हम लोग ने, इसके लिए बहुत ज्यादा गंदी लग रही है,
तो हम लोग ने सिर्फ सर्विस किया और सारा जो पार्ट है वो चेंज किया। आगे का कंप्लीट पार्ट आप देख सकते हो, सारा चीज चेंज किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट कवर भी चेंज किया, ये गियर का जो पेडल है ये भी चेंज किया है, आगे का स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, ये हमारा वाइजर चेंज किया हुआ है, मीटर नहीं लगाया अभी तक बिकॉज मीटर जो है ट्रांजिस्ट में, मीटर थोड़े दिन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी चेंज किया। फिर हम लोग ने और एक चीज किया, आगे के ब्रेक्स भी और पीछे के ब्रेक्स भी ब्लीड कर दिए कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ब्लीड कर दिया, यहाँ पे नया ब्लीडर कैप लगा दिया और प्रॉपर चल रहा है पीछे का कैलिपर। और फ्रंट कैलिपर पे भी हम लोग ने जो ये ब्लीडर कैप है ये भी नया डाला, अच्छी तरीके से इसका ब्लीडिंग कर दिया, मतलब ब्रेकिंग भी अच्छा हो जाएगा अभी। तो गाइस गाड़ी तो एकदम प्रॉपर चल रही है और गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो गाइस हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सबसे पहले वॉश करा लेते हैं। तो गाइस KTM RC 390 जो है अच्छी तरीके से रिपेयर हो गई, सारा जो पार्ट्स हम लोग को एसेंशियल था वो सारा हम लोग ने चेंज किया। अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया पार्ट चाहिएगा तो हम लोग को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट इन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।